तो इतना जरूरी कैसे हुआ हेलो एंड अ वेरी वेरी वेलकम टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स जब एग्जामिनेशन की बात आए सबसे जरूरी सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो है वो है रीडिंग सेक्शन का हमारा कॉम्प्रिहेंशन तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं जो चीज हमें इतनी सिली सी नॉर्मल सी कॉमन सी लगती है वो इतनी जरूरी कैसे हो सकती है बच्चों क्लासरूम में जब आप जाते हो टीचर के साथ बैठ के पढ़ाई करते हो तो टीचर कहती है बेटा खड़े हुए

पीस ऑफ राइटिंग कुछ दे रखा है उसको पढ़ना है उसको अंडरस्टैंड करना है और उसी को अंडरस्टैंड करने में स्कूल में टीचर आपकी मदद करती है

आंसर करेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जब जिक्र हुआ सबसे पहले बच्चों ये जानना जरूरी है कि यह वर्ड कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही क्या है भला ये इतना भारी भरकम वर्ड कॉम्प्रीहेंशन आ गया है मैम इसका मतलब तो बता दो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो बता देती हूँ बेटा कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्या मतलब है बच्चों द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समझिए इस बात को समझने की क्षमता इज नथिंग बट कॉम्प्रीहेंशन आपका समझने की क्षमता क्या है और कितनी है एक्सक्यूज <coughs> मी समझने की क्षमता क्या है और कितनी है ये एग्जामिनर जानना चाह रहा है हाउ वेल यू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज ओके हाउ विल आई दैट यू अंडरस्टैंडरस्टैंड करना क्या है आपको एक पैराग्राफ दिया जाए आप उसे पढ़ो उसे समझो उसमें सवाल पूछे जैसे आप सवाल का सही जवाब दे दोगे हम समझ जाएंगे हा हाँ इसके बाद समझ आ गई है कॉम्प्रीहशन दो तरह की होती है बेटा रीडिंग और लिसनिंग भी होती है आगे जाकर जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब तो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करोगे ठीक है अभी के लिए हमारे सिलेबस में है है रीडिंग पीस ऑफ राइटिंग इज गिवन यू नीड टू रीड इट इट अंडरस्टैंड एंड देन आंसर द क्वेश्चन काम बड़ा सिंपल है। यहां पर क्या चेक किया जा रहा है पढ़कर आपकी समझने की क्षमता कितनी है और वो कैसे जज किया जाए सवाल देकर क्लियर अब कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझ में आ गया है जो काम आप बचपन से जैसे आपको एक नई टेक्स्ट बुक दी जाती है आप पढ़ते हो फिर टीचर की मदद लेते हो टीचर आपको पढ़ के समझाता है और फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करवाता है हर जगह जिंदगी में पता नहीं कब से कॉम्प्रिहेंशन करते चले आ रहे हो बट जब इंग्लिश एग्जाम में आता है तो कॉम्प्रिहेंशन से घबराते हो क्यों है डरना डरने की क्या बात जब पूजा मैम है ना आपके साथ तो आपको करना पता है क्या है जो काम सदियों से करते चले आ रहे हो उसको थोड़ा प्रॉपर प्लान वे में कम टाइम में करके दिखाना है बस यही प्लान है थोड़ा फोकस रहना होगा जो पीस ऑफ राइटिंग दे रखी उसको बढ़िया तरीके से स्कैन कर डालो समझ डालो कि बोलने की क्या कोशिश कर रहा है एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई फिर क्वेश्चंस के आंसर्स तो यूं कर जाओगे आप तो चलिए एग्जामिनेशन में मैम कैसे सवाल आएंगे जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में लेसन तो बड़े बड़े होते हैं यहां पर जो हमारे एग्जाम में सवाल आएंगे कितने आएंगे कॉम्प्रिहेंशन में से कैसे सवाल आएंगे मुझे क्या करना होगा इन सभी सवालों का जवाब लेकर मैं आ गई हूं आप सभी के पास सो so, बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में मैं अगर बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रीशन क्लास नाइन्थ में भी और क्लास टेंथ में भी आता है क्लास टेंथ में भी आएगा सेम ऐसा ही आएगा बिल्कुल सेम इसीलिए अभी आप टेंथ की भी तैयारी कर रहे हो ये खास बात बता दूं मैं आपको ठीक है तो क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ में दोनों में यही आता है डिस्कर्सिव पैसेज आता है केस बेस्ड पैसेजेस आते हैं ठीक है दो तरह के पैसेज है डिस्कर्सिव पैसेज और केस बेस्ड पैसेज ये डिस्कर्सिव पैसेज क्या होता है केस बेस्ड पैसेज क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी अभी के लिए समझिए कुछ पैराग्राफ्स दिए जाएंगे ठीक है एक डिस्कसिव पैसेज होगा दूसरा केस बेस्ड पैसेज होगा ओके इनके नाम से इनका मतलब भी समझ सकते हो आप उस पैसेज को पढ़ना है अच्छे से प्रॉपरली उसको समझना है और फिर क्वेश्चन का आंसर करना है एक बात बताओ क्या कभी आज तक ऐसा हुआ है एस एस टी में या फिर इंग्लिश में साइंस में कभी भी बिना लेसन पढ़े आपने डायरेक्टली कभी कोई क्वेश्चन आंसर करके देखा है तुक्के तो में एक या दो सही हो सकते हैं बट बिना लेसन पढ़े सही तो हो ही नहीं सकते आपको थियोरी वो कंटेंट ही नहीं पता है जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाओ तो बेटा ये बेवकूफी मत करना हम तो चलेंगे भाई सारे आंसर लिख डालेंगे पैसेज वैसेज में टाइम वेस्ट नहीं करना हम तो सवाल देखेंगे डायरेक्टली आंसर लिख डालेंगे ये गलती नहीं करनी क्योंकि कई बार कुछ बच्चे ना टॉपिक देखते हैं अरे ये तो बहुत कॉमन है सिंपल सा टॉपिक है इसको मैं अपने वर्ड्स में लिख दूंगा आंसर इसका पैसेज पढ़ने की क्या जरूरत है बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कुछ बच्चे बट ऐसे होते हैं तो वो गलती नहीं है करनी ओके डोंट बी ए फूल बी ए प्यारा सा फूल है ना आपको इंग्लिश वाला फूल नहीं बनना है हिंदी वाला फूल बनना है बढ़िया प्यारा सा खिला खिला सा समझदार सा जिसे लोग लेना पसंद करें बढ़िया दिमाग लगाना है बच्चा लोगों ठीक है तो पहले मैं बता देती हूँ डिस्कसिव पैसेज क्या चीज़ है केस बेस्ड पैसेज क्या चीज़ है डिस्कसिव पैसेजेस वो पैसेज होते हैं बेटे जिसमें डिस्कशन की स्कोप होता है सच पैसेजेस डील विथ टॉपिक विच कैन बी डिस्क एंड दे आर ओपन फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब ये पैसेज जब आप पढ़ोगे ना जिन टॉपिक्स पे ये पैसेज होते हैं उस पर डिस्कशन होगा उसको अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाकर इंटरप्रेट करना होगा अपना नजरिया होगा उन पैसेजेस पर ओके okay, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे उसके बारे में तुम्हें क्या लगता है ये भी मैटर करेगा ओके द ऑथर यूजेज द लैंग्वेज इन वे दैट मेनी थिंग्स और पॉइंट्स आर लेफ्ट ओपन फॉर द रीडर्स इंटरप्रिटेशन ये पूरा ज्ञान नहीं देता ये बंदा पैसेज में नहीं मैं बात कर रही हूँ डिस्कसि पैसेज की मतलब डिस्कशन का स्कोप रहता है कुछ पॉइंट ऐसे अधूरा छोड़ देता है तुम अपना दिमाग लगाओ तुम्हें क्या लगता है बताओ सो ओपन थ्रेडिड छोड़ देता है मतलब कुछ चीज़ें कुछ टॉपिक कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपके इंटरप्रिटेशन के लिए आपको सोचने के लिए छोड़ दिए जाएंगे बट वेर केस बेस में ऐसा नहीं होगा केस बेस में पूरा डेटा दे दिया जाएगा इन केस बेस्ड पैसेज दे डील विदिक्स देट आर फैक्ट बेस्ड एंड ऑफन सपोर्टेड विद विजल इनपुट सचेज चार्ट ग्राफ्स और स्टेटिस्टिकल डेटा जैसे कि मैंने कहा डेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा पूरा पूरे फैक्ट्स इंफॉर्मेशन उसके बारे में दे दी जाएगी आपको फिर आप आराम से आंसर कर पाओगे समझ लो आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया जाए कभी कभी तो पाई चार्ट दे सकते हैं ग्राफ्स दे सकते हैं जनरल सिंपल बिना विजुअल इनपुट के जनरली भी चीज़ें दे दी जाए किसी भी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी ये थोड़े ईजी होते हैं कंपेयर टू द वंस। टाइप टू थोड़े ईजी होते हैं सब कुछ सामने ही है सब कुछ सामने ही है, है दिमाग इच्छे नहीं लगाना है बस ढूंढना आना चाहिए आपको वो जौहरी बनना होगा पारखी नजर से आपको हीरे की परख करनी होगी अपने आंसर की परख करनी होगी सब कुछ सामने मिल जाएगा डिस्कसिव में भी मिलेगा बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है ज्यादा प्रैक्टिस बच्चों को की करने की पड़ती है बिकॉज केस बेस तो आप ना वो जो छोटे छोटे पैसेजेस नहीं होते बचपन में जो करते हैं सामने आंसर दिख जाता है वैसा लगेगा आपको केस बेस्ड पैसेज एवरीथिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ योर आईज इन डिस्कसिव पैसेज यू विल हैव टू अप्लाई योर माइंड मोर ठीक है ये बात समझ चुके हो केस बेस्ड पैसेज में केस मतलब पूरा डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सारी इंफॉर्मेशन फैक्ट बेस्ड होगी फैक्चुअल बेस्ड होगी ठीक है ऑथर वैसे पॉइंट सपोर्ट करेंगे फैक्ट्स और फिगर्स के द्वारा कि रीडर को बस उसी को फॉलो करना है, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगेगा तो आपको कभी भी ये ध्यान रखना यहां पर अपना दिमाग लगा के अरे पैसेज में तो लिखा है कि 28 परसेंट लोग ऐसा करते हैं अरे यार ट्वेंटी एट का करते होंगे 60 परसेंट करते होंगे अपना दिमाग लगा के परसेंटेज चेंज नहीं कर रहे जो वैल्यू दी गई है जो इन्फॉर्मेशन जो फैक्ट जो डेटा प्रोवाइड किया गया है उसे बदलना नहीं बिल्कुल नहीं गड़बड़ काम तो करना नहीं समझ गए ना बात को जो डेटा प्रोवाइडेड है बस उसी को यूज़ करते चले जाना है इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना दिमाग जो लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा हमारे सबसे पहले यानी कि डिस्कस बेस्ड पैसेज में समझ गए बात पैसेज में दिमाग ज्यादा लगेगा क्योंकि कुछ चीजें आपके ऊपर छोड़ दी जाएंगी आपके नजरिए के ऊपर केस बेस में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट कर ऑलरेडी आपको दे रखा है जिसे आपको फॉलो करना है आ गई बात समझ में नो दिक्कत नो परेशानी अब अब आएंगे हम पैसेजेस के ऊपर सवालों के ऊपर उससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ बेटा हर चीज का एक टेक्निक होती है एक तरीका होता है और सबका अलग अलग तरीका है मतलब है मार्क्स आने से अगर आप ऐसा समझते हो मैं मार्क्स आ जाने चाहिए भाई कुछ ही करना पड़ जाए कुछ भी करने को तैयार है हम मार्क्स आने चाहिए तो बेटा दो तरीके हैं जनरली फर्स्ट वे सेकेंड वे सबको ऐसा लगता है कि ना मुझे जल्दी जल्दी कॉम्प्रिहेंशन करना है मुझे जल्दी जल्दी कॉम्प्रिहेंशन करना है हर बंदा लिटरेचर में जल्दी नहीं मचाता ग्रामर में जल्दी नहीं मचाता राइटिंग सेक्शन में नहीं मचाता पता नहीं क्यों कॉम्प्रिहेंशन में जल्दी मचाने लगता है अरे सब आंसर सामने ही है बस जल्दी जल्दी कर दूंगा मैं पांच मिनट में सारे आंसर लिख दूंगा बेवकूफी मत करना क्योंकि यहां पर कॉम्प्रिहेंशन में आपको फुल मार्क्स लाने के स्कोप है ये बात दिमाग में कर लो फिट बेटा और हर जगह कहीं ना कहीं नंबर कट सकता है पर कॉम्प्रीशन में आंसर लिखा पूरे नंबर आते हैं लिटरेचर में कितना भी जोर लगाओ आंसर लिखो आधा नंबर काटने का स्कोप होता है ग्रामर में आप गलत लिख दिया तो पूरा नंबर गया एक वर्ड की खेल है गलत होने की भी तो चांसेस से। है राइटिंग सेक्शन की बात करें तो आप जितना भी दिमाग लगा के आइडियाज को कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर फॉर्म में लिखोगे कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट रहता है तो मार्क्स जरूर कटता है बट कॉम्प्रिहेंशन में कोई नंबर नहीं कटेगा थोड़ा सा दिमाग लगाना है कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन बेटा ट्वेंटी मार्क्स का है हल्के में लेने की गलती नहीं करना है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंशन दो पैसेज पढ़ के सवालों के जवाब देके बीस नंबर आ जाएंगे यार वैसे बीस नंबर ग्रामर में या फिर अगर मैं कहूं लिटरेचर में लाना बड़ा मुश्किल काम है आ गई बात समझ में सो so, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है हड़बड़ी में नहीं रहने का यू डोंट बी न हरी जल्दी का काम शैतान का काम गड़बड़ हो जाती है फिर आपको फुल मार्क्स लाने हैं बीस नंबर पूरे के पूरे दो पैसेज दे रखे हैं दोनों पैसेज में डेटा होगा इंफॉर्मेशन होगी कोई बात बता रखी होगी जिसको तुम्हें पढ़ना और समझना है और तुम अपने आप को तीस मार खान मत समझो एक बार पढ़ लूंगा दुनिया हिला दूंगा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना करना क्या है बेटा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो सारी डिटेल में लाइन थोड़ी पढ़ते हो ऊपर ऊपर पढ़ के आइडिया लग जाता है हाँ ये इस बारे में है तो सबसे पहले सवालों को देखने से पहले मैं ये कहूंगी आपको पैसेज को ऊपर ऊपर से पढ़ना होगा क्या करना होगा ऊपर ऊपर से पढ़ना होगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पैसेज को पहले पढ़ लेते हैं कुछ लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं सबका ये अपना अपना तरीका है और इस पर बहुत सारी डिबेट भी हो सकती है कि पहले पैसेज पढ़े या क्वेश्चंस पढ़े मेरा ये मानना है अगर मैं किसी के घर के अंदर जा रही हूं तो नेम प्लेट जरूर देखूंगी कि मैं किसके घर के अंदर जा रही हूं अगर मुझे क्वेश्चंस को आंसर करना है तो मुझे पता तो हो टॉपिक किस बारे में है पैसेज किस बारे में है ताकि थोड़ा आइडिया लग सके थोड़ी क्लैरिटी हो सके समझे कि नहीं आई बात समझ में कुछ बच्चे क्या करते हैं जब क्वेश्चन देखते हैं ना एक भारी वर्ड दिख गया आ, बड़ा मुश्किल है और ये तो मुझसे नहीं होगा दिमाग में सेट कर लेते हैं कि अरे बड़ा मुश्किल काम होने वाला है ये तो कुछ बच्चे पैसेज पहले पढ़ के थोड़े बड़े वर्ड देखे घबरा जाते हैं अरे ये तो बड़ा मुश्किल होने वाला है घबराने का नहीं क्योंकि जो आता है वो आता है जो नहीं आता वो नहीं आता, नहीं आता देख लेंगे यार उसको भी आई बात समझ में सो डे बेटा पैसेज पढ़ो या क्वेश्चन पढ़ो दोनों ही पढ़ने के बाद एक चीज का ध्यान रखो अपना माइंड सेट अपने दिमाग को खराब नहीं करना है अरे ये तो बड़ा आसान है अरे ये तो बड़ा मुश्किल है अब या तो पैसेज को देख के जज कर लोगे या क्वेश्चन को देख के जज कर लोगे जो चीज़ पहले देखोगे उसको देख के जज कर लोगे तो डोंट बी जजमेंटल जस्ट यहाँ पर क्वेश्चन है इसी में आंसर है मुझे ढूंढना है मेरी आंखों के सामने आंसर है दिमाग इच्वत लगाओ ज्यादा मुश्किल है आसान है मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं इस पैसेज में आंसर दे रखे हैं क्वेश्चन मेरे पास हैं धीरे धीरे ढूंढता हूँ मिल जाएगा ओके okay? अगर आप पैसेज पढ़ो या क्वेश्चंस पढ़ो ये आपकी मर्जी है बहुत सारे टीचर्स जैसे कि मैं कहूंगी कि पहले आपको आइडिया होना चाहिए किस बारे में आपका पैसेज है ताकि आप ताकि आप क्वेश्चंस को आंसर कर सको है ना तो मेरी आपके लिए पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप होगी मैंने कहा ना दो तरीके होते हैं लोगों के आंसर करने के सबसे पहले पैसेज कुछ बच्चे पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन कुछ बच्चे पढ़ते हैं और जो भी करो दिमाग खराब मत करो आपको करना है मेरे हिसाब से फर्स्ट चीज इस टेक्निक से मैं हंड्रेड परसेंट हूं कि आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे अगर आप फॉलो करते हो तो पहली चीज होगी स्किम करना स्किम करना मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ना जैसे हम न्यूज पढ़ते हैं लाइक ए न्यूज रीडिंग ऊपर ऊपर से मेन मुद्दे की बात एक बार फास्ट फास्ट पढ़ ली ठीक है ऊपर ऊपर से अच्छे से पढ़ लिया ठीक है पढ़ने के बाद अब क्वेश्चंस की तरफ जाओ देखो टोटल कितने क्वेश्चन अच्छा एमसीक्यू से क्यू है क्या फिल्म ब्लैंक्स है क्या अच्छा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है सब्जेक्टिव बेस्ड एक आइडिया लगा ले टोटल कितने सवाल है देख ले ऊपर ऊपर से वो भी पैसेज को भी ऊपर ऊपर से एक बार देख लो क्वेश्चन के भी ऊपर ऊपर से देख लो क्योंकि कई बार बच्चे ना बड़े इंटेलिजेंट होते हैं बट बेवकूफी करते हैं पैसेज पढ़ के एक एक क्वेश्चन आंसर करते हैं। बीच का एक क्वेश्चन जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि मैंने छोड़ दिया अगर पहले पढ़ रखा अरे दस सवाल थे अरे मैंने आंसर तो किए नौ ही है ऐसे कैसे बीच में कुछ रह गया क्या अगर आपने ये नहीं देखा कि टोटल दस सवाल थे तो आप नौ लिख के ये सोच रहे हो पूरा हो गया मेरा काम सो बेटा दोनों ही पैसेज को और क्वेश्चंस को एक क्लियर आइडिया देना जरूरी है आना जरूरी है पैसेज कितना लंबा है कितने पैराग्राफ्स का है किस बारे में दे रखा है क्वेश्चन कितने हैं किस तरह के सवाल है एक बार आइडिया लग गया अब आप करोगे अब जो आप करोगे वो है बड़ा ही डिटेल तरीके में ठीक है स्किम करने के बाद बहुत अलग अलग टेक्निक से अलग अलग नाम दे सकते हो स्कैनिंग कर सकते हो आप डिटेल्ड रीडिंग कह सकते हो आप है ना अब क्या अभी तक तो ऊपर ऊपर पढ़ा था एक बार तो पूरा पढ़ना बनता है हाँ या ना एक बार पूरा पैसेज पढ़ डालो लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हुए ऐसे नहीं पढ़ना जैसे टीचर कहती बेटा एक बार पैर पढ़ना नहीं ना क्या समझ आया पढ़ने को गलत था समझने को थोड़ी गलत था थो। वही चीज़ अगर आप धीरे धीरे पढ़ते हो तो पढ़ते पढ़ते समझते हो तो बात बन जाएगी ना बनेगी कि नहीं तो उस प्रकार से रीडिंग दो आप और सबसे जरूरी बात है बेटा जैसे कोई मुश्किल वर्ड है उसको टेंशन नहीं लेनी उसको उसको उड़ा देना है उसको बाद में देखेंगे जो जो मुश्किल वर्ड्स लगे जो जो मुश्किल वर्ड्स लगे हर पैराग्राफ में आपको ना एक दो तीन जितने वर्ड्स मुश्किल लगे उन दोनों को उनको अपने दिमाग में फिट कर लो भाई यहाँ दो वर्ड समझ नहीं आए मुझे यहाँ तीन वर्ड समझ नहीं आए मुझे कई बच्चे कहते हैं मैम क्वेश्चन पेपर में लिखने ना देते अच्छा जी हमें तो पता ही नहीं था मैं बहुत बच्चों को जानती हूँ जो ऐसे पेन लेके ना पूरे टाइम क्वेश्चन पेपर पर ऐसे पॉइंट करते रहते अब मैं क्या लिखूँ अब मैं क्या लिखूं अब मैं क्या लिखू ऐसे तो आप क्या कर सकते हो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या okay, सोचते वक्त जब क्वेश्चन पेपर में जो महाभारत रामायण जो तो पता नहीं क्या क्या लिखने लगते हैं कुछ बच्चे तो अजीब अजीब शेप्स बनाने लगते हैं वो चलता है क्या नहीं ना चलता तो कुछ भी नहीं है अगर आपको स्ट्रिक्ट इन्वेजेशन लगती है कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिखना ही नहीं दे रहे तो जो वर्ड आपको मुश्किल लगे वो आंसर शीट में लिख डालो आंसर शीट में ये ये वर्ड मुझे मुश्किल लगे थे भाई एक बार साइड में टाइम बचाना है सेव करना तो सिर्फ एक डॉट लगा दो ये डॉट लगा दिया ये मेरे को दो वर्ड है जो इस पैराग्राफ में समझ नहीं आए अगले पैराग्राफ में दो वर्ड है जो मुझे समझ नहीं है ऐसे डॉट लगा लो ताकि आगे उनको देख लिया जाए बाकी ऊपर ऊपर से पढ़ लो हो जाएगी डिटेल रीडिंग जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो वकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए बाद में देखेंगे ठीक है अब पैसेज पढ़ लिया है जो मुश्किल वर्ड है उनको साइड में रख लिया है दिमाग में फिट हो गए कि इतने वर्ड्स मुश्किल है बाद में देखेंगे वोकेब्लरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए अभी के लिए पैसेज आ गया समझ में अब क्वेश्चन को आंसर शुरू करो क्वेश्चन को आंसर करना शुरू करो और जब करोगे तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी आइडिया लग गया किसके बारे में क्या कहाँ पर है दो बार पढ़ चुके हैं ना पैसेज हम अब भगवान भी नहीं रोक सकता आपको करने से फिर क्या है ना क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आ जाएगा अरे फर्स्ट पैराग्राफ में है सेकंड में है थर्ड में है या चौथे में है। जैसे ही फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के खत्म करोगे ना सेकंड शुरू करने से पहले अच्छा फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दे रखा है सेकंड पैराग्राफ में मतलब समझा रखा है थर्ड पैराग्राफ को बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रखे हैं फोर्थ पैराग्राफ में अच्छा कंक्लूजन ऐसे जो भी दे रखा है ना पैराग्राफ पढ़ते उसके बारे में सोचो इसमें क्या दे रखा है और फिर जब आप क्वेश्चन को आंसर करोगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा आई होप ये टिप्स ये ट्रिक्स आप यूज़ करोगे एग्जाम में डोंट बी इन ए हरी टू कम्प्लीट रीडिंग द पैसेज बी इन ए हरी टू कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग द पैसेज पूरा खेल कॉम्प्रीहशन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड या सिर्फ पढ़ना नहीं है समझना है हर पैराग्राफ को पढ़ने के बाद तीस सेकेंड का पॉज लो और देखो मुझे ये समझ आ गया क्या क्या समझ आया मुझे इसमें इसमें क्या दे रखा था फिर आगे बढ़ो फिर पैराग्राफ पढ़ो समझ आ गया इसमें क्या दे रखा है थर्ड पैराग्राफ समझ आ गया क्या दे रखा है फोर्थ पैराग्राफ समझ आ गया क्या दे रखा है और फिर जब सवालों को देखोगे ना बेटा अच्छा ये तो उसमें दे रखा मिलेगा फर्स्ट में मिलेगा अरे ये सेकंड में मिलेगा बस फिर क्वेश्चन का पता चल जाएगा कहां मिलेगा तो उसको देख के मैच करके कर ला लो काम इजी ये ट्रिक याद रहेगी सो so, बेटा स्कैनिंग जब आप करोगे डिटेल रीडिंग जब आप करोगे पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ वाइज अंडरस्टैंडिंग करनी होगी भाई ये मुझे इसमें ये बात समझ में आई है इसमें मुझे ये बात समझ में आई है जैसे आप दिमाग में फिट कर लो पहले में इंट्रोडक्शन है दूसरे में रीजन दे रखा है ऐसा क्यों होता है तीसरे में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं फोर्थ में केस स्टडी किसी बंदे के बारे में बता रखा है ऐसा ऐसा इसके साथ हुआ था जो भी मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूं हर पैराग्राफ में कुछ ना कुछ दे रखा होगा वो आपको दिमाग में फिट करना है और फिर क्वेश्चन को आंसर करना तो बात बन जाएगी क्लियर है एक बात और मैं कह दूँ आपको ना क्वेश्चन की जब मैं बात करूँ क्वेश्चन की जब मैं बात करूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पहला एमसीक्यू सभी जानते हैं इसके बारे में दूसरा फिलिज लाइन ये भी आप जानते हैं तीसरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड मतलब एक ही नंबर का है पर एक लाइन पूरी लिखनी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जिसे मैं एमसीक्यू भी कहती हूं या फिर अगर हम कहें सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जिसमें पूरी लाइन लिखनी पड़ती है ठीक है इन्हें मैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड कह रही हूं एमसीक्यू को और यहां पर सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एक नंबर के लिए पूरा एक सेंटेंस लिखना पड़ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं वन वर्ड आंसर्स लिखने पड़ेंगे वन वर्ड आंसर्स किन के लिए वो कैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए वो कैबलरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए वो कैबलरी बेस्ड क्वेश्चन उनके घबराना नहीं है वो कैबलरी क्या है इट्स नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स वो कैबलरी क्या है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स शब्दों का पिटारा अब कोई वर्ड है उसका या तो सिनोनिम पूछेंगे एंटोनिम आई होप मेरे बच्चों को पता है सिनोनिम क्या होता है एंटोनिम क्या होता है सिनोनिम मतलब एक वर्ड दे रखा है उसी वर्ड का सेम मीनिंग का दूसरा वर्ड मिल जाए मुझे सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाला दूसरा वर्ड एंटोनिम मतलब ऑपोजिट मीनिंग वाला दूसरा वर्ड ऑपोजिट मीनिंग वाला ठीक है आपको वर्ड्स दिए जाएंगे पूछेंगे इसका सिनोनिम ढूंढो इसका एंटोनिम ढूंढो इस प्रकार के सवाल आपसे पेपर में पे पूछे जाएंगे फिर इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं पूरा सब्जेक्टिव आंसर लिखना पड़ सकता है एक नंबर के लिए ओके okay. फिर वो बेस्ड क्वेश्चन तो पक्के आने या नहीं कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें एनालिसिस करना पड़ता है एनालिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है इंटरप्रेट करके मतलब तुम्हें क्या समझ में आया ऐसा किसको क्या करना चाहिए तुम्हारा नजरिया लिखना पड़ेगा ऐसे एक या दो सवाल होंगे मैक्सिमम जिसमें तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और वो होंगे डिस्कसिव बेस्ड पैसेज में अब आगे बात समझ में अब आप बोलोगे मैम बड़ा इजी इजी से लगता है सुनते हैं ना ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे पर जब करने लगते हैं तो कुछ दिमाग में आता ही नहीं है बस ऐसे बैठ जाते हैं पढ़ा आ नहीं रहा आंसर नहीं आ रहा देख लेंगे ऐसे कर लेंगे तो so, बेटा कॉन्सेंट्रेशन पूरा रखना है पूरा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ पैसेज पढ़ोगे तो आंसर उतने ही जल्दी और आसानी से मिलेंगे तुम अगर टाइम सेव करना चाहते हो और बच्चे कई बार बोलते हैं मैम दो दो बार पैसेज पढ़ने का टाइम नहीं हमारे पास हम तो क्वेश्चन पढ़े एक बार पैसेज पढ़े और जल्दी जल्दी करना है अगर टाइम बचाना चाह रहे हो तो प्लीज़ दो बार पैसेज पढ़ो क्योंकि दो बार पैसेज पढ़ोगे तो आंसर जल्दी मिल जाएंगे एक बार पैसेज पढ़ोगे तो आंसर ढूंढने में बहुत वक्त लग जाएगा फिर टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा ना तो दो बार पैसेज पढ़ो और अपना टाइम सेव करो कोई बात नहीं थोड़ा टाइम लग गया तो लग गया क्योंकि नंबर पूरे आ जाएंगे वहां टाइम लगाओ ना जहां नंबर लाने के चांसेस ज्यादा है ग्रामर तुमको अगर कम आती हो और वहां पे तुम घंटे घंटे लगाओ तो थोड़ी चलेगा काम यहाँ पर सामने आंसर है बस देखना आना चाहिए सो प्लीज डोंट बी इन अ हरी फिर से कह रही हूं मैं क्वेश्चन को आंसर करते वक्त थोड़ा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ आंसर मिलने के बाद भी क्रॉस चेक करो अच्छा इस सवाल का यही आंसर है क्या मेरे आधे बच्चे तो पागल पता क्या करते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना वो फिफ्थ में लिखाएंगे फोर्थ का आंसर फर्स्ट में लिखाएंगे ऐसे उल्टा पुल्टा कर देते हैं ऐसी गलती भी नहीं करनी इसीलिए कह रही हूँ पूरा कंसंट्रेशन और फोकस होना चाहिए अब आप बोलोगे मैम आपकी टिप्स अच्छी है पहले मैं अच्छे से पैसेज को रीड कर दूंगा ऊपर ऊपर से स्किम कर दूंगा ताकि मुझे पता चल जाए किसके बारे में पैसेज है सवाल देख लूंगा टोटल कितने हैं और फिर एक एक पैराग्राफ को पढ़ के समझ में आ जाएगा इस पैराग्राफ में क्या दे रखा है इसमें क्या दे रखा है डिफिकल्ट वर्ड्स को मार्क कर लूंगा ताकि वो कैब्लरी बेस्ड क्वेश्चन में आसानी हो जाए और फिर एक एक करके क्वेश्चन को आंसर करना शुरू करूंगा आंसर करते वक्त ध्यान रखना है आपको क्रॉस चेक क्रॉस चेक बिफोर राइटिंग आंसर लिखने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना भाई ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है भाई जो पूछ रहा है मैं उसी का आंसर लिख रहा हूँ ना कई बार पूछते हैं बेटा अपनी मम्मी का नाम बताओ और तुम बोलते हो मेरे चाचा के पेट में दर्द है चाचा के पेट में दर्द होगा पर पूछ क्या रहे हैं मम्मी का नाम क्या है तो ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है क्वेश्चन जो पूछा है उसी का आंसर लिखना है और कई बार उल्टा पुलटा ना हो जाए इसीलिए कह रही हूँ क्रॉस चेक बिफोर राइटिंग लिखने से पहले जरूर क्रॉस चेक करना चेक दी ऑर्डर उड़ा मत देना क्वेश्चन को अपने हिसाब से पहले फर्स्ट फिर सेवेंथ फिर फोर्थ फिर थर्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड नाइन टेन ऑर्डर में लिखो ठीक है फॉलो ऑर्डर कह सकती हूँ मैं ज्यादा बेटर रहेगा फॉलो ऑर्डर जिस ऑर्डर में सवाल पूछेंगे उसी ऑर्डर में आंसर लिखो ज्यादा दिमाग मत लगाओ मेरे को फोर्थ आंसर मिल गया पहले तो मैं वो लिखूंगा नहीं ऑर्डर में लिखो ताकि करेक्शन में टीचर को भी आसानी हो और उसका भी सर गर्म ना हो आंसर ढूंढते वक्त तुम्हारा आंसर ठीक है ऑर्डर फॉलो करोगे लिखने से पहले क्रॉस चेक करोगे ठीक है और राइट कंप्लीट आंसर्स बहुत बच्चे ए वन वर्ड वर्ड में खत्म करने की कोशिश करते हैं एक वर्ड में कंप्लीट नहीं करना है, पूरा आंसर अच्छे से कंप्लीटली लिखना है पूरा आंसर अच्छे से कंप्लीटली आपको लिखना ही पड़ेगा आगे बात समझ में राइट कंप्लीट आंसर्स ऐसे करोगे तो बात बन जाएगी बेटा तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना है जो मुश्किल होता है वो कैबले बेस्ड क्वेश्चन वो कैबलरी बेस्ड क्वेश्चन में बच्चों के नंबर कटते हैं और इसके लिए तुम्हारा पूरा इतने सालों का एक्सपीरियंस मैटर करता है तुम्हारी इंग्लिश कैसी है थोड़ा सा दिमाग लगा के कैसे मैम मुझे वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता मैं क्या करूं कॉन्टेक्स्ट को समझो किसको समझोगे कॉन्टेक्स्ट को आप सभी को पता है जैसे फॉर एग्जांपल मुझे तेलगू आती है तुम्हें नहीं आती अगर मैं तेलगू पिक्चर चला दूं तो तुम बोलोगे मैम क्या है मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बट अगर तुम थोड़ा मन लगा के देखोगे तो ना भाषा भले ही समझ ना आ रही हो उसके एक्शन से समझ आएगा ना अरे गुस्से में है अरे प्यार से बात कर रहा है और अरे इसके मतलब बड़ा एटीट्यूड है देखिए पता चल जाता है ना वैसे ही सेंटेंसेस में भी पूरा सेंटेंस पढ़ोगे ना वो वर्ड के अलावा पूरा सेंटेंस दो तीन बार तो आप ना भावनाएं समझ जाओगे भावनाएं समझ जाओगे उसी को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट जब कोई वर्ड समझ ना आ रहा हो तो उसके आगे पीछे की दो लाइन एक बार पूरा पढ़ के देखो तो आप गैस कर सकते हो कि इसका मतलब क्या है कभी कभी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट हेल्प्स यू टू फाइंड द करेक्ट वर्ड आगे बात समझ में ओके okay. बाकी अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो, तो आप एलिमिनेशन में चला अरे ये आंसर नहीं हो सकता अरे ये ठीक हो सकता है एलिमिनेट करो दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे बाकी दो में कंफ्यूजन है तो थोड़ा दिमाग लगाओ कॉन्टेक्स्ट को समझो और आंसर मिल जाएगा क्लियर है इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करोगे एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं जिनमें तुम्हारा इंटरप्रिटेशन तुम्हारा दिमाग लगता है पैसेज को दो बार पढ़ने के बाद जो तुम समझोगे ना उसके बाद अपने ओन वर्ड्स में लिख पाओगे एक ही बार पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा कभी कभी तो कुछ बच्चे जो थोड़े ढीले होते हैं उनको तीन बार भी पढ़ना पड़ सकता है तो तैयार रहना दो से तीन बार पैसेज को पढ़ना पड़ेगा इसी माइंड के साथ जाना इसी माइंड के साथ टाइम अलॉट करना कॉम्प्रीहेंशन के लिए जल्दी नहीं करनी है अब आप बोलोगे मैम बहुत ही बढ़िया सारे ट्रिप्स ट्रिक्स आपके बढ़िया मुझे समझ आ गए है वो कैबलरी बेच में जो पॉइंट वाले वर्ड्स होंगे ना जो मैंने मार्क रखे हैं उसी में से आंसर मिल जाएगा आपका आइडिया ये मुझे सही लगा वो कैबलरी वालों में मुश्किल होती है उसके लिए वो अंडरलाइन वर्ड्स एक बात बता बेटा पूरे पैसेज में से एक वर्ड ढूंढना आसान है या फिर सात वर्ड में से एक वर्ड ढूंढना आसान है सात में से सात डिफिकल्ट वर्ड्स में से एक आप सूटेबल आंसर चुन पाओगे पूरा पैसेज बार बार पढ़ते रहे तो पढ़ते रहे तो वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिलता इसीलिए कह रही हूं पढ़ते वक्त डिफिकल्ट वर्ड्स को जरूर मार्क करना क्योंकि उसी में से सवाल पूछे जाएंगे बच्चों रिमेंबर मार्क माई वर्ड्स जो वर्ड तुम्हें मुश्किल लगेगा वही वर्ड वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में आएगा तो सारे मुश्किल वर्ड्स को पहले ही आर्ट में ले लेते हैं ठीक है ये बात जरूर याद रखना मार्किंग द डिफिकल्ट वर्ड्स एक डॉट लगाया जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है और अगर तुम्हें लगता है भाई नहीं लगाने दे रहे तो वो वर्ड कोई कितने सेकंड लगेंगे दो सेकंड लगेंगे वो वर्ड लिखने में साइड में पेंसिल से वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख लो जो जो तुम्हें मुश्किल लग रहे हैं जो पेपर में मतलब जो फिर वो में मिल जाएंगे अपने को ठीक है फिर अरेस्ट कर लेना क्या दिक्कत आ रही है मैथ्स में भी तो रफ वर्क करते हो थोड़ा सा इंग्लिश में कर लोगे तो क्या हो जाएगा हाँ जी करना पड़ेगा भाई नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए चलो फिर ये बात भी क्लियर हो गई जो डायरेक्ट आंसर होंगे वो मैं दो बार पैसेज पढ़ने के बाद आसानी से मुझे क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लूंगी मैं ठीक है वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन की ट्रिक बता दी है कैसे हमें डिफिकल्ट वर्ड जो मार्क कर रखे उनमें से आंसर ढूंढ लेंगे कन्फ्यूजन हो रहा है कॉन्टेक्स समझेंगे ठीक है एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे अरे ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, ये, इसका, ये, नहीं, हो सकता इसका मतलब ये नहीं हो सकता दिमाग लगाओ कॉमन सेंस लगाओ और एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन के लिए पूरा पैसेज दो बार पढ़ने के बाद जो अंडरस्टैंडिंग होगी उसके बेसिस पे ओन वर्ड्स में आंसर लिखा जा सकता है क्लियर नाउ अब ये सब चीजों को यूज करें मैम सब अच्छा लगता है पैसेज करते वक्त ना ये सारी बातें भूल जाते हो क्या है क्या है भूल जाओ हो प्रैक्टिस क्यों ना कर लो चलो प्रैक्टिस करते हैं दो पैसेज करके दिखाऊं तुम्हें साथ में मेरे मेरे साथ करो फिर देखना मजा आएगा चलो शुरू करते हैं पहला पैसेज पैराग्राफ देखो कितने पहला पैराग्राफ है दिख रहा है माउंटेन्स एक रीडिंग दे दो हैव ऑलवेज बीन हेल्ड इन ग्रेट बाय मैनकाइंड हैव बीन अ चैलेंज टू ह्यूमंस माउंटेन्स बड़े मजेदार है लोगों की आंखों को लुभाते हैं बट बहुत बड़ा चैलेंज है माउंटेन्स दो दैम जो बहादुर लोग होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं वो हमेशा जाते हैं ना इनको कांकर करने हासिल करने जीत हासिल करने इन पे जीत हासिल करने यू सी द मोर इनक्रेडेबल दाउंटेन्सटर द थ्रिल चैलेंज टू द ब्रेवरी ऑफ द ह्यूमन रेस हम ह्यूमन बींग जितनी बड़ी चोटी उतना बड़ा चैलेंज माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं कि नहीं लोग जितनी बड़ी चोटी पे वो चढ़ेंगे उतना बड़ा चैलेंज उतना बड़ा सक्सेस होगा ओके क्लाइंबिंग माउंटेन्स एन एक्सपीरियंस दैट इज हार्ड टू पुट इन टू वर्ड्स वो एक्सपीरियंस जो माउंटेन चढ़ने पर जो क्लाइंब करने पर जो होता है उसको एक्सपीरियंस करना बहुत बड़ी बात है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता हम्म hmm. Yes, you are in a beautiful environment and when you reach the top, you feel incredible. इतना अच्छा माहौल होता है environment इतना बढ़िया होता है और जब चोटी पर पहुंचते हैं तो वो खुशी ही बिल्कुल अलग है out of the world होती है So but you also have to climb down, फिर वापस भी नीचे आना पड़ता है which is when most accidents happen। जब वो ऊपर पहुंच जाते हैं ना पहुंचने की excitement में बहुत मेहनत करते हैं खुशी से चढ़ते हैं बट जब वो नीचे उतरने लगते हैं थोड़े ढीले पड़ जाते हैं लोग हाँ ना वहां पर होते हैं एक्सीडेंट्स पीपल आर टायर्ड लोग थक जाते हैं अंधेरा हो जाता है और मुश्किल हो जाती है चीज़ें सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ अनडाउटडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स अलोंग विद बीइंग चैलेंजिंग एंड रिस्की फॉर द क्लाइंबर समझ कोई ऐसा मुश्किल वर्ड है नहीं बहुत आसानी से आप समझ पाओगे एक बढ़िया मज़ेदार एडवेंचर है लोगों को काफ़ी इसको करने में मज़ा आता है बट उतना ही रिस्की और चैलेंजिंग भी है चलो बहुत बढ़िया भाई ये बात तो हम समझ गए मुझे नहीं लगता है, इसमें कोई मुश्किल आई चलो आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी परसिव रिस्क देर कान बी ए फीलिंग विद एनी सिग्निफिकेंट चैलेंज हैज बिन सरमाउंटेड सिंपल सी बात है रिस्क नहीं तो मजा का है, है ना जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा मजा उतना ज्यादा एडवेंचर

माउंटेन क्लाइंब करने के लिए इंसान को क्या क्या होना चाहिए उसमें ये बता रखा है ठीक है दे शुड ऑल्सो नो हाउ टू हैंडल द माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट जो इक्विपमेंट्स है उन्हें कैसे हैंडल करना पता होना चाहिए देन कम्स अ पिनाइस ऑफ द रिगरस ट्रेनिंग फिर फुल अल्ट्रा लेवल बहुत ही मुश्किल रिगरेस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी दिस कुड वेरी वेल बी द लाइफ लाइन अप देयर जितनी अच्छी ट्रेनिंग करोगे उतनी ही ज्यादा वहाँ पर आपको आसानी होगी क्लाइंबिंग करते वक्त इट हेल्प्स इन

ये गड़बड़ कर सकता है उसी का डर होता है बी ए सनशाइन वन एंड स्नो एक पल में तेज चमकता हुआ सूरज दूसरे ही पल बहुत बड़ा तूफान एट हायर एल्टीट्यूड जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं स्नो इज अ रेगुलर फीचर एंड बीइंग अबाउट सेटिंग अप कैंप्स और प्रोसीडिंग फर्दर इज क्रूशियल जैसे जैसे ऊपर बढ़ते इतनी स्नो गिरने लगती है कि वहां पर कैंप लगाना भी क्रूशियल हो सकता है द आईसी शीट्स आफ्टर आई स्टॉम्स मेक वॉकिंग प्रेशरस वो जो पूरा जब स्नो गिरने के बाद जो आइस इधर उधर गिरी होती है उसमें से फिर चलना आसान काम थोड़ी है बहुत मुश्किल कर देता है वाइल पाउडरी में पाउडरी स्नो मेक्स ए माउंटेनियर सिंक डीप इंड स्नो आपने देखा होगा मूवीज में पैर कैसे अंदर घट जाते हैं सिंक हो जाते हैं पैर इतना ज्यादा हो जाता है स्नो अब देयर विदेंशन इज टू एम्बरेज नेचर्स डर वन रियलाइजेस दैट इट के नॉट बी डन विदाउट फेसिंग इट्स फॉरमेडेबल ग्लोरी ऐ anyway, वो खुशी नहीं मिलेगी बहुत रिस्क लेना पड़ता है बहुत हिम्मत करनी पड़ती है वो नहीं होने वाला ए ट्रू माउंटेनियर में चैलेंज द माउंटेन येट ईयर में रेस्पेक्टफुल टू द पावरफुल फोर्सेज ऑफ नेचर रेस्पेक्टफुल होना चाहिए पावरफुल फोर्सेज ऑफ नेचर की हो कुछ भी सकता है बहुत रिस्की काम है ये ये मजे के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है ये बात यहां पर कहने की कोशिश की जा रही है फोर्थ पैराग्राफ समिटिंग माउंटेन्स समिटिंग मतलब चढ़ना माउंटेन्स चढ़ना बड़े बड़े समिट्स पर ओन हेल्थ रिस्क रिस्क सच हो सकते हैं ऑक्सीजन एंड एल्टीट्यूड सिकनेस प्रॉब्लम्स फ्रॉस्ट बाइट स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट फ्लूइड कलेक्शन इन ब्रेन और लंग्स एंड एग्जॉर्शन क्या क्या दिक्कतें हो सकती है येट द ग्रेटिफिकेशन माउंटेनर्स फील फ्रॉम मास्टरिंग समथिंग दैट इज सो फ्राइटनिंग टू अंडरटेक दीज एंडिवर्स फिर भी लोग ये सब रिस्क लेकर इस पे आगे बढ़ते हैं करना चाहते हैं वी मे थिंक दैट द मोन्टेन आर फियरलेस एंड एक्सपर्ट से नॉट एट ऑल इट्स फियर दैट देम सो इंट्री विद सच ऑडियस जर्नीज बहुत लोग कहते हैं ये लोग बड़े बहादुर होते हैं इन्हें डर नहीं लगता ना जी ना डर इतना होता है कि ये डर की वजह से ही तो आगे बढ़ पाते हैं और इन जर्नीज को आसानी से उस डर की वजह से ही आगे बढ़ा पाते हैं इम्पल्स एंड ब्रेजन कैन भी डेडली फोर्स अगर तुम जल्दबाजी में डिसीजन लो हड़बड़ी में लो अपना ठीक से ध्यान न रखो तो वो दुश्मन साबित हो सकते हैं इन द वर्ड्स ऑफ द इंडियन माउंटेनियर बचेंद्री पाल द बिग्गेस्ट रिस्क इज नॉट टू टेक द रिस्क एट ऑल तो कहती है बचेंद्री पाल द बिग्गेस्ट रिस्क इज नॉट टू टेक द रिस्क एट ऑल सबसे बड़ा रिस्क है कि तुम रिस्की ना लो हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी अगली बात समझ में आप सवाल देखते हैं पैराग्राफ्स पढ़ लिये चलो वाई इज द राइटर से दे माउंटेन्स इंस्पायर ऑल इन ह्यूम पहली ही लाइन में कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ऐसे ब्रैकेट में देखो पैराग्राफ वन भी लिखा है लिखा है कि नहीं बिल्कुल लिखा है तो उसी में से देखा और आंसर लिखती है आंसर ऑप्शन देखो दे प्रेजेंट अस विद अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटिंग स्पोर्ट्स दे इवोक द विशन अस टू मास्टर देम दे इंस्पायर इन अस डीड्स ऑफ वैलर दे रिप्रेजेंट पीस एंड काम टू अस यहाँ पर पहली लाइन में कहा था जाए माउंटेन्स इंस्पायर ऑल ह्यूमंस मतलब एक एक बहुत ही ना ओ फैक्टर बड़ा बड़ा फैक्टर आता है क्यों क्योंकि जब कोई चीज़ तुम्हें करनी होती है ना तुम्हारी चाहत होती है वो करने की सबसे नहीं होता वो माउंटेनियर जो बनना चाहता है उसी से होता है देखो दे इवोक द विश इन अस टू मास्टर देम उन्हें चढ़ने की इच्छा हमारे अंदर जगा देता है वो माउंटेनर इतना सुंदर होता है इतनी बड़ी उसकी चोटी मतलब इतना वक्त लगता है उसको जाने में इतना चैलेंजिंग हो जाता है कि इंसान वो करना चाहता है उसमें मास्टरी हासिल करना चाहता है तो यही हो गया हमारा पहला आंसर जाओ पैराग्राफ देखो दो बार पढ़ोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी अगला सवाल सेलेक्ट द ऑप्शन दैट का टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो द मोर इनक्रेडिबल द दाउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल ये भी पैराग्राफ वन है उसको पढ़ोगे तो समझ जाओगे देखो द हायर द स्टेमिना द लोअर द फूड एंड द मोर यू लव द लेसर इलनेस द स्मॉलर द कार द बिगर द एडवांटेज द हाइयर द पेनल्टी अब ये जो सिचुएशन है द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स जितने शानदार माउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल उतना ही ज्यादा रिस्क यही यहां पर समझाने की कोशिश हो रही है तो इन चारों ऑप्शंस में क्या आपको यहां पर समझ आएगा रिस्क कहां पर है समझ रहे हो आप एडवांटेज की तो बात नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता ठीक है यू द लेसर बीमारी की हम बात नहीं कर रहे तो बताओ आपको यहां पर सही आंसर आप चुनोगे जैसे कि मैंने कहा पेनल्टी नुकसान होना चाहिए द द द द पेनल्टी नुकसान इसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है है ना बाकी जगह पर नुकसान ही थ्रिल थ्रिल मतलब टेंशन नुकसान ज्यादा हो सकता है द पेनल्टी तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी को चुनेंगे द द द द लगे पेनल्टी ये से देखो है ना ये एनालाइज करने वाला थोड़ा दिमाग लगाने वाला डिस्कशि बेस्ड पैसेज है इसमें दिमाग लग रहा है तुम्हारा देख रहे हो तुम हाँ नजरिए को समझने की जरूरत है आगे बढ़ो सेलेक्ट द ऑप्शन द डिस्प्लेस व राइटर प्रोजेक्ट विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग एक सेंटेंस दे दिया है राइटर यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स बिना कोई शक के माउंटेन क्लाइंबिंग एक बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्स है तो डाउट so, दे रहा है कॉशन दे रहा है कन्विक्शन दे रहा है इडनाइल मना नहीं कर रहा है कॉशन भी नहीं दे रहा है डाउट भी नहीं कर रहा है उसमें पूरा विश्वास है कि हाँ ये रिस्की होते हुए भी पर ये गजब है लोग इसमें बड़े अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचर स्पोर्ट तो यहाँ पर वो कन्विक्शन के साथ बता रहा है तो आंसर यहाँ पर होगा देखो कन्विक्शन क्लियर एवरीबडी आगे बढ़ जाए चलिए कंप्लीट द फॉलोइंग विद फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ वन बेस्ट एक्सपीरियंस देन ये फील आपको एक्सपीरियंस करके लेनी है समझ के नहीं होगी अब बेटा यहां पर आपको इस ओपिनियन देना है बेस्ट एक्सपीरियंस रादर देन डिस्क्राइब्ड अगर आप पहले पर देखो आपको किसी भी से भी सवाल पूछे जा सकते हैं तो पहला पैराग्राफ से यहां पर मैं बोलती हूँ बेस्ट एक्सपीरियंस रेदर देन इज डिस्क्राइब्ड देखो क्लाइंबिंग माउंटेन्स इन एक्सपीज़ एक्सपीसन एक्सपीरियंस इट इज हार्ड टू पुट इन टू वर्ड्स मतलब वो शब्दों में नहीं जताया जा सकता उसको फील ही करना पड़ेगा तो यही फ्रेज हम वहाँ पर चुनेंगे अपना ओपिनियन देंगे हार्ड टू पुट इन टू वर्ड्स हार्ड टू पुट इन वर्ड्स ये होगा हमारा सही जवाब ऐसे सवाल आएंगे बेटा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इनमें नेक्स्ट राइटर कम्पेयर ट्रेनिंग टू पेन्स इन द लाइन देन कम्स अस द रिग्रेस ट्रेनिंग पैग ऑफ टू स्टेट वन पॉइंट ऑफ सिमिलिटी बिटवीन ट्रेनिंग एंड पैनेस क्या मतलब है यहाँ पर इन दोनों में सिमिलैरिटी बताओ बड़ी आसानी से बताएंगे बहुत ज्यादा जोर लगेगा दोनों में वेरी डिफिकल्ट देखो वेरी डिफिकल्ट रिक्वायर्स परसिफरेंस बहुत ज्यादा जोर लगे बहुत हिम्मत चाहिए जो मैंने बोला हिंदी में वो इंग्लिश में लिख डाला इजी पीजी इलेवेंथ खुद ही यस आगे बढ़ो अब आ रहे हैं पैसेज टू एक और पैसेज के बारे में बात करते हैं ये भी बड़ा आसान सा नजर आ रहा है देखते हैं लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेजेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट एनी ऑफ अस कैन एवर रिसीव इज द गिफ्ट ऑफ लिसनिंग इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वी कैन एवर गिव अनफार्चुनेटली इट अपियर्स टू बी अ लॉस्ट आर्ट विव इन अ वर्ल्ड इज टॉकिंग बट आर लिसनिंग वट ऑफन पासिस फॉर लिसनिंग इज सिंपली वन पर्सन पॉसिंग टू कलेक्ट दर थॉट्स फॉर द नेक्स्ट सॉलि वे बेटा वर्ड देख के घबराना नहीं है टॉपिक देख के बोरिंग समझना नहीं है तुम्हें इसमें से नंबर मिलने वाले हैं तो ये चाहे कैसा ही टॉपिक हो तुम्हें मन लगा के इसको पढ़ के समझना होगा तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है यहाँ पर लिसनिंग के बारे में बता रहा है लिसनिंग क्या होती है उसकी एबिलिटी क्या है क्या लोग क्यों बातें करते हैं क्यों गड़बड़ कर देते हैं ठीक है वो ज़्यादा सोचते ही नहीं है बस आगे क्या बोलना है इसी में ध्यान लगाते हैं ये आर्ट ऑफ लिसनिंग खोता चला जा रहा है हियरिंग रिफ्रेश द साउंड मतलब सुनना जो आवाज़ आस हो रही है गर लिसनिंग मतलब सुनकर समझना उसके लिए फोकस चाहिए इट रिक्वायर्स फोकस लिसनिंग मीन्स पेइंग अटेंशन नॉट ओनली टू द स्टोरी बट हाउ इट इज टोल्ड द यूज ऑफ लैंग्वेज एंड वॉइस एंड हाउ द अदर पर्सन और हर बॉडी इन अदर वर्ड इट मीन्स बींग अवेयर ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस यूर एबिलिटी टू लिसन इफेक्टिवली डिपेंड्स ऑन द डिग्री टू विच यू परसीव एंड अंडरस्टैंड दीज मैसेजेस तो बेटा यहां पर आपको बताया जा रहा है कि लिसनिंग के बारे में डिटेल में कि कैसे ओके okay? हियरिंग और लिसनिंग में फर्क बता रहे हैं और लिसनिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना ये है ये बताया जा रहा है इजी है बेटा समझ रहे हो आप तो बेटा एक रीडिंग से बहुत ज्यादा मुश्किल वर्ड्स नहीं है और दो पैराग्राफ हैं देखो लिसनिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क लाइक एवरी स्किल द मोर यू डू इट द बेटर यू गेट बहुत मुश्किल काम है जितना करते चले जाओगे उतनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतने अच्छे होते चले जाओगे लिसनिंग कैन बी डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस जैसे कि मैंने कहा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और लॉट इफ नॉट यूज रेगुलरली गुड लिसनर्स फोकस ऑन वॉट दे आर बिकॉज दे वॉन्ट टू नो द आंसर नॉट जस्ट टू कीप द कन्वर्जेशन गोइंग कई लोग सिर्फ बोलते रहते बोलते रहते सुनते नहीं है गुड लिसनर्स क्यों सुनते हैं ताकि वो समझ के आगे बात कर सके बहुत जरूरी है ये और आखिरी पैराग्राफ सो सॉफ्टन वी आर डिस्ट्रैक्टेड विद अदर थिंग्स वी ट्राई टू लिसन वाइल कंटिन्यू टू वर्क ऑन दंप्यूटर और वॉच सेल्यूशन टू बुल प्रेजेंट मीन वी एलिमिनेट दिस डिस्ट्रेक्शन एंड फोकस एक्सक्लूसिव थी ऑन हंड्रेड परसेंट तुम्हारे साथ ऐसा होता है मम्मी तुमसे बात करी है और तुम्हारा ध्यान कहीं हो रही है फोन में टीवी में तो इसका मतलब ये थोड़ी है तुम ठीक से सुन रहे हो जब आप लिसनिंग का मतलब है कि ध्यान से सारी फोकस उसी पर लगाया जो बोल रहा है उसी की बात पे फोकस किया जाए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए इट टेक्स ग्रेट एफर्ट्स टू बी फुल इन देंट बहुत जोर लगता है उस मोमेंट में होने के लिए थोड़ा लीनिंग फॉरवर्ड थोड़ा सामने की तरफ झुकना पड़ता है थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है आंखों और कान खुले होने चाहिए दिल से आपको सुनना चाहिए वर्ड्स आर ओनली पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन शब्द तो सिर्फ पार्ट है कम्युनिकेशन के समटाइम्स वी नीड टू एक्सपीरियंस द अदर पर्सन फीलिंग टू रियली अंडरस्टैंड फील करना पड़ता है अगला क्या सोच रहा है क्या कह रहा है थ आर हार्ट एज वेल एज आर माइंड दिल और दिमाग दोनों से सुनना पड़ता है समझना पड़ता है वी मस्ट रिपीट बैक वॉट दी अदरसन सेट अगर आप चाहते हो कि अगले को लगे कि तुम इंटरेस्टेड हो जो उसने बोला उसको रिपीट करो तो so फिर उसको लगे हाँ हाँ मेरी बात सुन रहा है एंड वी डू दिस एंड डू इट एक्टली वी कम्युनिकेट विद वी अंडरस्टैंड इसे ये समझ आता है कि हाँ हमें समझ में आ रहा है अगले की बात हम सुन रहे हैं इट ऑल्सो गिवस एस एन अपॉर्चुनिटी टू री कैलिब्रेट अवर अंडरस्टैंडिंग इफ वीव मिस अंडरस्टूड समथिंग Plenty of people are good talkers, few are good listeners. If you are develop the latter skills, you will find yourself invited into amazing conversations that wouldn't otherwise happen. बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे अच्छे सुनने वाले कम मिलेंगे तो आपको बोलने वाला नहीं अच्छा सुनने वाला बनना अपने आप अच्छे से बोलने भी लगोगे आप Clear everybody? तो बेटा comprehension कौ, की खास बात ये है आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहां पर पेपर दे दिया टॉपिक खत्म नहीं बल्कि इससे आपको जो समझ में आया है वो पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो आगे जिंदगी में कहीं ना कहीं ठीक है तो आपको कॉम्प्रीहेंशन को ऐसे लेना है कि आप नई चीजें सीख पा रहे हो ठीक है सवाल देखो वॉट अकॉर्डिंग टू द दथर इज अ लॉस्ट आर्ट आर्ट ऑफ स्पीकिंग आर्ट ऑफ इंटरप्रिटिंग मैसेजेस आर्ट ऑफ लिसनिंग आर्ट ऑफ थिंकिंग सिंपल सी बात है यहां पर लिसनिंग की बात हो रही है पूरा टॉपिक ही इस पर है तो हम आर्ट ऑफ लिसनिंग को चुन लेंगे कुछ सवाल तो बड़े आसान होते हैं देखा

चलो आगे बढ़ो चूज अबल सब हेडिंग फॉर पैरा थ्री आर्ट ऑफ लिसनिंग द प्रॉपर वे टू हैव कॉन्वर्जेशन वॉट मेक्स अ गुड लिसनर वॉट इज अ डायलॉग चलो हेडिंग्स तो देख ली बट पूछा क्या जा रहा है कौन से पैराग्राफ के लिए थ्री लिसनिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क लाइक एवरी स्किल द मोर यू डू इट द बट तो लिसनिंग के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे लिसनर्स को किस चीज में फोकस करना चाहिए तो टॉपिक देखो लिसनिंग वॉट मेक्स अ गुड लिसनर यही होगा सही जवाब वॉट मेक्स अ गुड लिसनर क्या बंदा कौन सा बंदा गुड लिसनर कहलाएगा उसे क्या करना होगा एक और सवाल विच ऑफ दिस दिसमेंट इज फॉल गुड लिसनर्स फोकस ऑन वॉट दे आर हियरिंग हाँ भाई गुड लिसनर्स को तो फोकस करना ही पड़ेगा लिसनिंग इज अ स्किल्स दैट नीड्स प्रैक्टिस बिल्कुल प्रैक्टिस चाहिए वी डोंट नीड टू एक्सपीरियंस द अदर पर्सन फीलिंग टू रियली अंडरस्टैंड तू अगले की भावनाओं को एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा फीलिंग नहीं करेगा तो क्या समझ में आएगा ये तो बिल्कुल गलत है यार आर गुड लिजनर सही बात है सब गुड लिसनर्स थोड़ी होते हैं तो so, जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी देखना बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स कई बच्चे पहला स्टेटमेंट देखते हैं अरे ये तो सही है सही चीज़ पूछ रहा था ट्रू नहीं फॉल्स कई बच्चे ट्रू समझ के फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देते हैं सवाल ठीक से पढ़ोगे फिर आंसर ढूंढोगे ओके आगे बढ़ते हैं द की टू हैविंग अमेजिंग कॉन्वर्जेशन इज टू बी ए गुड टॉकर टू बी ए गुड लिसनर टू नो ए लॉट ऑफ टॉपिक्स टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन गुड लिसनर पहले सुनोगे तभी तो ढंग से बात कर पाओगे समझे कि नहीं तो बेटा मैं आपसे कहना चाहती हूँ कॉम्प्रिहेंशन में जितना मुश्किल आप इसको समझोगे उतना ही मुश्किल ये बनता जाएगा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है पॉइंट ऑफ व्यू कैसे आप अपना बढ़िया बनाओगे पहली चीज़ फोकस करो ढंग से पढ़ो समझो और रिपीट दोबारा दोबारा पढ़ोगे तो आंसर मिल ही जाएगा आंसर मिल ही जाएगा क्वेश्चन कौन से पैराग्राफ में उसका आंसर मिलेगा पता चलेगा उस पैराग्राफ को दो तीन बार पढ़ो आंसर मिल जाएगा आगे बात समझ में तो आई होप आज के दिए हुए टिप्स और ट्रिक्स आपको काम आएंगे थोड़ी प्रैक्टिस भी आपकी हो गई है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट लिसनिंग की भी प्रैक्टिस करो और अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जितने कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए टेक केयर एवरीबडी बाय